नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका भोगले लाइव ट्यूब क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस दूसरे सेकंड इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपको मास्क अप्लाई करना होता है, कितने टाइप के मास्क होते हैं और किस तरीके से हम सर्जिकल मास्क को अप्लाई करते हैं, उसी के बारे में हम इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। बिकॉज आज की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड क्या है, हाउ वी यूज द सर्जिकल मास्क। तो N95 मास्क या सर्जिकल मास्क को किस तरह से यूज किया जाता है। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें मास्क वियरिंग प्रॉपरली कई लोगों को नहीं आता है। वो इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं कि किस तरह से मास्क को अप्लाई करना होता है। अंडरस्टैंड गाइस, तो चलिएगा शुरू करते हैं। दोस्तों, दोनों में से यदि अगर मैं आपसे कहूं, तो अगर इस तरह का इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम के दौरान कि भाई दोनों में से ये आइडेंटिफाई करके बताइएगा कि मास्क वियरिंग का विच इज द राइट वे और विच इज द रॉन्ग वे, तो इन फर्स्ट इमेज द राइट वे टू वियर द सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क को वियर करने का सही तरीका यही होता है दोस्तों, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसमें क्या विशेष ध्यान रखना होता है, तो कलर्ड साइड आउट, वाइट साइड इन। दोस्तों याद रहे, जब कभी भी सर्जिकल मास्क को यूज किया जा रहा है तो जो कलरफुल साइड है वो बाहर होती है और उसका जो वाइट साइड होता है वो अंदर होता है। ओके, ये सही पैटर्न है मास्क को अप्लाई करने का। दूसरा होता है दोस्तों, द रोंग वे टू वियर अ सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क को वियर करने का एक रोंग वे होता है, वाइट साइड आउट और कलर्ड साइड इन, दिस इज द रोंग वे। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट इमेजेस, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेजेस, कि व्हाट इज द राइट वे और रोंग वे टू यूजिंग द सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क को यूज करने का सही तरीका और गलत तरीका। कलर्ड पोर्शन हमेशा आउटर होना चाहिए और वाइट पोर्शन ऑलवेज इनसाइड में होना चाहिए। अप्लाइंग द मास्क डेफिनेशन, दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व वियरिंग ऑफ द मास्क एंड स्पेशली स्टिच गाउन इन द ऑपरेशन थिएटर टू मेंटेन द असेप्टिक एंड टू प्रोटेक्ट द नर्स फ्रॉम कंटामिनेटिंग हरसेल्फ एंड अराउंड हर। फ्रेंड्स, First of all, we are going to know how many types of the mask, type of the medical. अरे बेटा गुलाब साहू, PPE इन्हीं को कहते हैं। जो मैं ये सिखा रहा हूं ये सारे एक साथ मिलाकर के ही PPE कहलाते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उस हर इक्विपमेंट को PPE के अंदर इंक्लूड करेंगे जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपको वियर करना होता है, चाहे फिर वो गाउन है, मास्क है, फुट क्लॉन्ज है, हैट है या फिर स्क्रबिंग है। अंडरस्टैंड गाइस, तो ऑल दीज आर द PPE। क्लियर, ये PPE ही मैं सिखा रहा हूं आपको। तो टाइप ऑफ मेडिकल मास्क, सर्जिकल फेस मास्क, दैट इज द फर्स्ट। N95 रेस्पिरेटर मास्क, N95 रेस्पिरेटर जो COVID-19 में काफी हेल्पफुल साबित हो रहा है। मास्टीन इलास्टोमेट्रिक रेस्पिरेटर ये काफी कॉस्टली मास्क है। मास्टीन देन पावर्ड एयर प्योरीफायर रेस्पिरेटर, जिसे आप PAPR मास्क कहते हो। PAPR यानी कि जस्ट दैट इज द मास्क, और स्पेशली ये मास्क नहीं है, मास्क के साथ साथ ये एयर प्यूरिफायर रेस्पिरेटर है जो दिल्ली में रहने वाले लोगों को लगाना चाहिए। तो दोस्तों, जहां जिन कंट्रीज में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, पॉल्यूशन हाईली पॉल्यूटेड एरियाज में वर्क करने वाले लोगों को इस तरह का मास्क लगाना होता है। जैसे कोई डस्ट में या सिलिका फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको, या कोल फैक्ट्री में वर्क कर रहा है तो उसको इस तरह का मास्क लगाना होगा। ये एयर प्यूरिफायर रेस्पिरेटर मास्क कहलाता है। इलास्टोमेटर रेस्पिरेटर, ये जनरली ऐसे एरियाज में यूज किया जाता है जहां पर डस्ट तो ज्यादा नहीं है, बट इस तरह के मास्क को यूज किया जा सकता है।
ये सर्जिकली यूज किया जाने वाला मास्क है और ये हाईली कंटामिनेटेड एरिया में जाने पर यूज किया जाने वाला मास्क है N95 रेस्पिरेटर। पर्पस क्या होता है? तो टू प्रिवेंट द डिस्पर्सल ऑफ द ड्रॉपलेट फ्रॉम वेयरर टॉन एनवायरमेंटल एंड पेशेंट, टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ द स्टेराइल फील्ड, टू एनहांस द इजी हैंडलिंग ऑफ द स्टेराइल इक्विपमेंट्स। आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए दोस्तों? तो आर्टिकल फॉर सर्जिकल हैंड वॉशिंग एंड स्टेराइल शटल फोर्सेप इन अ कंटेनर फॉर डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। तो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन को पिकअप करने के लिए विच टाइप ऑफ फोर्सेप वी यूज द स्टेराइल शटल फोर्सेप, याद रखना इसका नाम। तो इन अ कंटेनर ऑफ द डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, स्टेराइल ड्रम कंटेनिंग द स्टेराइल गाउन, ड्रम के अंदर क्या होगा? स्टेराइल गाउन होता है। देन डिस्पोजिबल मास्क। प्रोसीजर जानिएगा मास्किंग का, किस तरह से मास्किंग का किया जाता है। तो आफ्टर परफॉर्मिंग द सर्जिकल हैंड वॉशिंग, टेक द स्टेराइल मास्क हैंडेड टू यू बाय द सर्कुलेटिंग नर्स। दोस्तों जो मास्क को पिकअप करना है वो स्क्रब नर्स को नहीं करना है, तो स्क्रब नर्स को मास्क कौन पिकअप करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा? तो सर्कुलेटिंग नर्स। सर्कुलेटिंग नर्स जस्ट इज द मूवेबल नर्स इन द ओटी, अंडरस्टैंड? तो होल्ड इट बाय टॉप टू स्ट्रिंग्स कीपिंग टॉप एजेस अबोव द ब्रिज ऑफ नोज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों मास्क को यूज करने, अप्लाई करने वाली स्टेप में। तो दैट इज द वीआईपी स्टेप, भी स्टेप होता है। तो मास्क को होल्ड कैसे करना है? तो सबसे पहली बात, मास्क को जो पकड़ के होल्ड किया जाता है वो अपर स्ट्रिंग से पकड़ना है आपको। इसमें फोर स्ट्रिंग होती है, इस तरह की चार स्ट्रिंग है। तो चार स्ट्रिंग में से आपको होल्ड करना है अपर स्ट्रिंग पे से, किससे? अपर स्ट्रिंग। और अपर स्ट्रिंग से होल्ड करके, और जो मास्क का लोकेशन, जो पोजिशन होगा होल्डिंग का, वो नेजल ब्रिज से ऊपर होना चाहिए। तो होल्ड इट बाय टॉप टू स्ट्रिंग्स कीपिंग द टॉप एज अबोव द ब्रिज ऑफ नोज। देखिएगा, आप इसके अंदर देख सकते हैं इस तरीके से। दीज आर द टॉप स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग्स हैं, टॉप स्ट्रिंग्स हैं, और ये लोअर स्ट्रिंग्स हैं। तो टॉप स्ट्रिंग से पकड़ के नेजल ब्रिज से ऊपर आपको इसे रखना होता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये है राइट वे टू होल्ड द मास्क। दोस्तों इमेज बेस्ड क्वेश्चन कभी भी आपसे इसका पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स के अंदर, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स के अंदर। ओके दोस्तों, अब देख सकते हैं आप, ये जो मास्क है इसकी चारों स्ट्रिंग्स हैं, ये अपर स्ट्रिंग्स हैं, और दीज आर द लोअर स्ट्रिंग्स। फ्रेंड्स, टाई द बोथ टॉप स्ट्रिंग एट द बैक ऑफ द हेड अबोव ईयर्स एट द। अब आती है बात कि मास्क की जो टॉप स्ट्रिंग्स होती हैं, टॉप स्ट्रिंग्स को कहां पर टाई अप करना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मास्क इस तरह से अप्लाई करके और जो टॉप स्ट्रिंग्स हैं वो ईयर के ऊपर से होते हुए आपको बैक ऑफ हेड पर टाई करना होता है, जिस तरह से कि इमेज में आप देख रहे होंगे। देन बोथ लोअर स्ट्रिंग्स स्नगली अराउंड द नेक वॉल अंडर द चिन, नेक वॉल अंडर द चिन। जो लोअर स्ट्रिंग्स है, लोअर स्ट्रिंग्स को इस तरह से नेक के पीछे स्ट्रिंग करना होता है, इमेज के अंदर आप देख सकते हो। तो दैट इज द राइट मैनर टू टाई अप द लोअर स्ट्रिंग ऑफ द सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क की लोअर स्ट्रिंग्स को जस्ट वी टाई द नेक वॉल अंडर द चिन, चिन के नीचे के एरिया से होते हुए नेक के अंडर में, यहां पर हमें टाई अप करना होगा। फ्रेंड्स, जेंटली पिंच द अपर पोर्शन ऑफ द मास्क अराउंड द ब्रिज ऑफ नोज, और उसके बाद ही आपको पिंच करके मास्क को नोज के ऊपर खिसका लेना है। अंडरस्टैंड? आपने पहले तो इस तरह से अप्लाई कर लिया और फिर आपको नोज के ऊपर तक इसको पिंच करके किसका देना है। क्लियर है? टाइट द राइट वे टू वियर द सर्जिकल मास्क और रोंग वे, ये इमेज में ऑलरेडी ही लेक्चर की शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अस्टेन, देन अब आती है बात रिमूवल ऑफ द मास्क।
कि मास्क को जब आप रिमूव करेंगे तो कैसे करना है। तो वॉश द हैंड, सबसे पहले हैंड को वॉश किया जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मास्क रिमूव ही तो करना है, हैंड वॉशिंग की क्या। भाई हैंड वॉशिंग की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो आप ओटी में असिस्ट कर रहे थे तो उससे पेशेंट को या कंटामिनेटेड एरिया को टच करने से या इन्फेक्शन आपके हाथों में हो सकता है, और असिस्ट किया है तो सर्जरी में पेशेंट की जो वुंड्स हैं वो इन्फेक्टेड वुंड्स थे, असिस्ट किया है तो उससे इन्फेक्शन आपके हैंड्स के अंदर होता है। अनटाई द लोअर स्ट्रिंग फर्स्ट, जब खोलना होता है तो लोअर स्ट्रिंग को सबसे पहले अनटाई करते हैं, जबकि अगर आप मास्क अप्लाई कर रहे हैं तो अपर स्ट्रिंग्स को सबसे पहले टाई करना होता है। तो यदि वियर कर रहे हैं तो टाई द अपर स्ट्रिंग फर्स्ट। इफ यू आर रिमूविंग द मास्क देन अनटाई द लोअर स्ट्रिंग फर्स्ट, तो लोअर स्ट्रिंग्स को फर्स्ट अनटाई किया जाता है, देन द टॉप स्ट्रिंग एंड पुल अवे फ्रॉम द फेस। याद रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिमूविंग द मास्क। मास्क को रिमूव करने के लिए दिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। होल्ड द मास्क बाय द स्ट्रिंग एंड डिस्कार्ड इन टू द अप्रोप्रिएट रिसेप्टिकल। अब दोस्तों मास्क को कभी भी अगर आप डिस्पोज करने वाले हो तो कभी भी मास्क को नहीं पकड़ा जाता है, मास्क को हमेशा स्ट्रिंग से होल्ड करके डिस्कार्ड करना होता है। कहां से होल्ड करते हैं? स्ट्रिंग से होल्ड करके डिस्कार्ड किया जाता है। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस लेक्चर? यस और नो? तो ये जो आप देख रहे होंगे इस तरीके से मास्क को रिमूव करते हैं। तो ये था दोस्तों कि हाउ वी यूज द सर्जिकल मास्क। ये सेकेंड क्लास में छोटा सा लेक्चर था और इसमें केवल ओनली सर्जिकल मास्क किस तरह से अप्लाई किया जाता था ये हमने जाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, हो सकता है कि आज रात को क्लास हो 10 बजे, अगर होगी तो आपको 9 बजे तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उस क्लास में हम गाउनिंग सीखेंगे। एक तो हमें गाउनिंग सीखना है और एक हमें ग्लविंग सीखना है। तो ग्लव्स को कैसे पहनते हैं और गाउन को कैसे पहनते हैं ये हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल। हर हर वुगली, घर घर वुगली। टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।